लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अब कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता और पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति में पार्टी ने दिल्ली में घोषणा पत्र का विमोचन किया। इस घोषणा पत्र को संकल्पित भारत सशक्त भारत नाम दिया गया। 5 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी ने अब अगले 5 साल के लिए अपनी पार्टी का विजन देश के सामने रखा है। संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने चुनावी विजन को पढ़कर देश के सामने रखा। 50 पेज के इस घोषणा पत्र में कई क्षेत्रों के लिए कई वायदे किए गए। ऐसे में शिक्षा के लिए भी 14 वायदे किए गए हैं, जिनके माध्यम से देश के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की कोशिश रहेगी। जानते हैं आखिर बीजेपी के संकल्प पत्र में शिक्षा को लेकर के क्या क्या वादे किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 5 साल में देश के लोगों ने उन पर विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस संकल्प पत्र में जन के मन की बात है। पीएम बोले कि इसमें 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा दर्शन है और सुशासन हमारा मंत्र है। उन्होंने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में समय भी दिया गया है ताकि 2022 तक लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। पीएम ने ऐलान किया कि हम अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे, जिनके तहत पानी के इस्तेमाल पर बात की जाएगी। अमान्य रीते ये स्वाभाविक है कि चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल अपनी अपनी बात लेकर के आती है। आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है और उसी के आसपास हमारा पूरा ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है, लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया।